भगवान से रोज एक छोटी सी प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना बच्चों को भी सिखाओ, सब लोग मेरे संग हाथ जोड़ो और एक प्रार्थना रोज करना, याद कर लेना। मैं बार बार ना बता पाऊंगा आपको हर चीज। सदा भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। कौन सी बुद्धि दो? हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, ऐसी बुद्धि जो सदा भक्तों की, संतों की, माता पिता की सेवा में लगी रहे, समाज की सेवा में लगी रहे। हे प्रभु हमें ऐसी बुद्धि मत देना जो बुद्धि दूसरों का नुकसान करे, दूसरों को क्षति पहुंचाए, दूसरों का कुछ बिगाड़े। हे प्रभु ऐसी दुर्बुद्धि से हमें बचाइए और सदा हमारी बुद्धि आपके चिंतन में लगी रहे, आपके चरणों में लगी रहे। भगवान से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे बच्चों की बुद्धि सदा अच्छी रहे, क्योंकि पूरा खेल बुद्धि से है। बुद्धि बिगड़ी सब बिगड़ा और बुद्धि बनी तो सब। इसलिए पहले के लोग बुद्धिमान होते थे, कभी वो गलत काम अपनी बुद्धि से नहीं करते थे। आजकल के आदमी की बुद्धि गलत जगह ज्यादा जाती है, और जहां फिर ईश्वर पूरा, देखो पूरा डेटा जो है ना बुद्धि से ईश्वर तक पहुंचता है। बुद्धि दो प्रकार की हो, एक सद्बुद्धि एक दुर्बुद्धि। कितनी बुद्धि? बुद्धि कितने प्रकार की, कौन कौन सी? सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि मीन्स गलत बुद्धि, गलत काम में जो लगाए वो दुर्बुद्धि है। लोग नहीं कहते तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? जब आप कुछ गलत काम करते हैं तो समाज बोलता है इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आदमी भ्रष्ट कभी नहीं होता, अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो इंसान भ्रष्ट हो गया। रावण भ्रष्ट कैसे हो गया? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए साहब अपनी बुद्धि पर काम करो, बच्चों की बुद्धि पर काम करो, बुद्धि भ्रष्ट ना होने पावे। बुद्धि भ्रष्ट हुई तो फिर दंड मिलना स्टार्ट, उल्टी गिनती चालू। हाँ या ना? इसलिए तो कहते हैं इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, हमसे भूल कर भी कोई भूल, क्योंकि भूल कर भी भूल हुई तो भूल हुई मतलब बुद्धि बिगड़ी, और बुद्धि बिगड़ी तो फिर परमात्मा उस बुद्धि का, जब रावण ने सारा गलत काम किया तो भगवान ने थोड़ी बुद्धि और भ्रष्ट कर दी। अच्छा एक बात बताएं, एक बार नारद जी का मन हुआ शादी करने का, तो नारद जी ने कहा विवाह कर लो। किससे करना? एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या थी, उसका नाम क्या था? विश्व, नाम ही विश्वमोहिनी। इतनी सुंदर कि पूरे विश्व को जो देखे मोहित हो जाए, चाहे पुरुष देखे, चाहे पशु पक्षी देखे, चाहे स्त्री देखे, जो इतनी सुंदर जो देखे आकर्षित हो जाए। नारद जी ने भी देखा, नारद जी के भी मन में लड्डू फूटने लग गए, मैं भी कर लूं शादी। तो वह नारद जी बोले कि अब तो शादी कैसे हो, मैं तो थोड़ा बूढ़ा हूं। तो नारद जी भगवान के पास गए, प्रभु आप थोड़ी हमारी मदद करो। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा क्या हुआ? बोले हमारा थोड़ा विवाह करने का मन हुआ, एक लड़की पसंद आई है, बहुत अच्छी है, सुंदर, अच्छे घराने की है, हमारा मन है शादी विवाह करने का।
हम भी थोड़ा बच्चों को खिलाना चाहते हैं गोद में। ये गृहस्थ आदमी खूब बच्चे बच्चे खिलाते हैं, दादी अम्मा पोता पोती के पीछे घूमती रहती है, मैं भी थोड़ा स्वाद लेना चाहता हूँ। भगवान ने मन में कहा मत पड़ो चक्कर में। परम नारद जी तो जिद्दी, नहीं नहीं प्रभु। अच्छा भगवान बोले बताओ हमसे क्या मदद चाहते हो। बोले प्रभु आप बहुत सुंदर हैं और हम थोड़ा बुढ़े हो रहे हैं, आप एक काम करो अपना रूप हमें उधार दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपनी सुंदरता हमें कुछ दिन के लिए उधार दे दीजिए, हमारी शादी हो जाए फिर हम आपकी सुंदरता वापस कर देंगे। शादी के बाद तो फिर चाहे झुर्रियां पड़ी हों चाहे कुछ छोड़ के जाना नहीं है, पहले ऐसे ही था। तो नारद जी का भी एक दिन मन हुआ कि मैं भी शादी ब्याह करके अपनी गृहस्थी बसाऊं। भगवान से बोले आप अपना रूप उधार दे दो। भगवान ने कहा ले लो। तो भगवान के तो सारे रूप हैं, तो भगवान ने बंदर वाला रूप दे दिया, नारद जी को बंदर और बना दिया। भगवान के तो अनेक रूप हैं ना, तो उनमें से एक रूप बंदर का है, तो नारद जी को बंदर बना दिया। अब नारद जी शादी में गए, वो वरमाला चल रही थी, मतलब जिसको गले में माला पहनाएंगी वो उसका पति। तो नारद जी जाके बैठ गए सामने, हाँ हाँ आने दो माला। विश्वमोहिनी ने कहा हे भगवान हम इतनी गई गुजरी हैं क्या कि बंदर तक आए हमारी शादी में। अब नारद जी बार बार वो दूसरी पंक्ति में चली जाए तो नारद जी यहां से उठ के उस पंक्ति में बैठ जाए। अंत में उस विश्वमोहिनी ने वहां भगवान नारायण प्रकट हुए तो भगवान को माला पहना दिया उसने, भगवान विष्णु को माला पहनाया। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, लो तुम तो 16108 किए बैठे हो और हम एक करने जा रहे थे वो भी नहीं होने दी, उसमें भी आग लगाई, क्या जरूरत थी तुम्हें, शादियों की कमी है तुम्हारी। खूब डांट लगाई नारद जी ने, हमारा एक बार तो मन हुआ, एक बार करने का मन हुआ तुम वो भी नहीं होने दिए। अब नारद जी आग बबूला हो गए और किसी ने ये और कह दिया कि तुम बंदर हो बंदर जैसे। अब नारद जी ने जब पानी में अपना मुंह देखा, हे भगवान अच्छा हम आपसे अपना वाला मांगे तो ये वाला दे दिए, तब तो हमारी शादी नहीं हुई, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे तुमने हमें बंदर बनाया तुम भी बंदरों का सहयोग तुम्हें लेना पड़ेगा, और जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं ऐसे तुम भी अपनी पत्नी के लिए तड़पोगे। ये नारद जी का श्राप मिला भगवान को, इसलिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा और नारद जी ने जो श्राप दिया वो श्राप को सिरोधार्य करना पड़ा। हनुमान जी जैसे बंदर भालुओं की सेना का सहयोग लेना पड़ा और सीता के वियोग में राम को रोना पड़ा, क्योंकि ये नारद जी का श्राप था। अच्छा ये बताओ कि नारद जी का विवाह भगवान ने क्यों नहीं होने दिया। भगवान को पता था कि विवाह नहीं होगा तो थोड़ी बहुत गुस्सा करेंगे, विवाह हो जाएगा तो बड़ा झंझट में पड़ जाएंगे, इसलिए भगवान ने बड़ी झंझटों से बचाया। तो भगवान कई बार आपके मन का नहीं होने देते, जैसे नारद जी के मन का नहीं, उनका मन था कि शादी हो जाए। आप लोग कहते हैं हम प्रभु आप कितने बड़े भगत हैं, पर देखो हमारी आपने नहीं सुनी। भगवान कई बार नारद जी की भी नहीं सुनते, जबकि नारद जी से बड़ा भक्त कौन। भगवान क्यों नहीं होने दिए शादी, क्योंकि अच्छा ये बताओ भगवान नारद जी का भला चाहते थे या बुरा, जोर से। अरे बाबा तुम शादी ना करो इसी में तुम्हारा भला है। तो भगवान जो नहीं देते इसमें आपकी ही भलाई होती है और आप समझते नहीं, आपको लगता प्रभु ने दिया नहीं। भगवान बेटा नहीं दे रहे हैं इसमें तुम्हारी भलाई है, बेटी नहीं दे रहे हैं इसमें तुम्हारी भलाई है, ये नहीं दे रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं इसमें भलाई, इसलिए शिकायत भरा जीवन नहीं कि प्रभु ये नहीं दिया। जो नहीं दिया उसमें ईश्वर की कोई भलाई है, जो दिया है उसमें प्रसन्न रहो, वो बहुत है ईश्वर का दिया हुआ। हमें लगता है कई बार कि हमारे मन का नहीं हुआ, मन का तो नारद जी के भी नहीं हुआ, जबकि नारद जी इतने बड़े भगत थे। भगवान वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, जो अच्छा ना हो आप कितनी भी जिद करें आपको भगवान, आपको नहीं पता किसके रिएक्शन क्या है दुष्परिणाम क्या है, पर प्रभु को तो पता है ना कि आगे इसका क्या हो सकता है, इसलिए वो आपको हर गलत चीज से बचा के रखते हैं।